रहता है, जो सफ़ेद पानी का समस्या रहता है वहाँ पर इसका जड़ी बूटी औषधि उसका सेंकाई हो जाता है, वहाँ पर तो कंट्रोल मिल जाता है बहुत ही अच्छा। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो दोस्तों? आप सब तो बढ़िया होंगे दोस्तों। और दोस्तों आप सब परिवार खुश रहे, मस्त रहे, अपने अपनी ज़िंदगी मस्त रहो दोस्तों। और दोस्तों आप सबके लिए नया से नया ब्लॉग लेकर आता रहता हूँ, नया जड़ी बूटी जानकारी आप सबके समक्ष लेकर आता रहता हूँ। और देख सकते हो दूर में है वो जड़ी बूटी औषधि, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग देख कर पहचान लिए होंगे, बहुत बड़ा वृक्ष रहता है वो, वट वृक्ष है। और उसी के छाल के और जड़ के उसके तना के बारे में और पत्ता के बहुत से गुणधर्म है, उसी की जानकारी आप सबको देने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहो। और चलो दोस्तों, जाकर उसका वीडियो आप सबको दिखाता हूँ मैं, और वहाँ जाकर आप सबको उसका बारी बारी से उपयोग विधि बताने वाला हूँ, क्या क्या काम आता है। तो और हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि सफ़ेद पानी का उपयोग बताओ, सफ़ेद पानी जो महिलाओं का होता है ना, उसी के बारे में आज का वीडियो बनने वाला है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, कैसे करते हैं, क्या क्या जानकारी है उसका, सभी को दिखाने वाला हूं मैं। तो चलो जाते हैं उसके पास और दिखाते हैं उसका क्या क्या उपयोग है। तो और दोस्तों, हमारे चैनल पे नए होना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि अगला वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए दोस्तों, जानकारी पहुँच जाए सबसे पहले। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो दोस्तों। और आप सबके लिए नया से नया जड़ी बूटी औषधि लेकर आता रहता हूँ। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है, उसी के लिए मैं आज बना रहा हूँ ये वीडियो सफ़ेद पानी का। तो चलो दिखाता हूँ मैं इस वृक्ष के छाल से कैसे करते हैं, क्या क्या उपयोग है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। देख सकते हो दोस्तों, इतना बड़ा रहता है इसका पौधा, पेड़ बहुत ही बड़ा रहता है। वट का वृक्ष को तो सभी जानते होंगे, इस प्रकार से पत्ता लगा रहता है ना सारा, देख सकते हो। नज़दीक जाकर दिखाता हूँ क्या उपयोग है उसका। और दोस्तों देख सकते हो, मैंने इसका डंठल तोड़ लिया है, वो बहुत दूध निकल रहा है, देख सकते हो यहाँ से इसके तना से। इसके दूध के भी बारे में जानकारी देने वाला हूँ मैं आप सबको, कंटिन्यू बने रहो। इसे तोड़ लिया हूँ मैं, अब उपयोग के लिए घर ले जा रहा हूँ, इसका उपयोग आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो पर कंटिन्यू बने रहो, इसका आयुर्वेदिक उपयोग बताने वाला हूँ आप सबको। देख सकते हो तोड़कर रख लिया हूँ मैं। और जाएंगे इसे तोड़कर, बहुत बड़ा पेड़ है। और दोस्तों अब लेकर आ गया हूँ मैं घर, देख सकते हो वट वृक्ष के पत्ते को। और इसके पत्ते के बारे में आप सबको पहले जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद इसके दूध के बारे में बताऊँगा सबको बारी बारी से। तो हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो दोस्तों। और दिखाता हूँ मैं इसके पत्ते का औषधि गुण। तो इसके पत्ते दो तीन पत्ते, चाहे जितने भी पत्ते तोड़ लो, तीन चार अपने ज़रूरत के हिसाब से। देख सकते हो पत्ते इस तरह से तोड़ लेना है, और इसे गरम तावे पे ना, थोड़ा गरम रहेगा उसमें कर देना इसका सेंकाई, जिसमें ये गरम हो जाए पत्ता, तावा पे रख देना जिससे आग जले रहेगा उस पर, और ये गरम हो जाएगा पत्ता ना, तो जहाँ जोड़ों में दर्द रहता है यहाँ पर, तो इसमें ऐसे सेंकाई करने से ना, ऐसे सेंकाई कर दो तो जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है दोस्तों। जो अंदर दर्द रहता है, अंदरूनी दर्द, वो भी बहुत ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छा औषधि गुण है इसका, अच्छा फ़ायदा करता है दोस्तों। तो करके देखना, इसके पत्ते का उपयोग इसी प्रकार से करते हैं, गरम तवे पे इसे गरम हल्का कर लेना, जिससे सहन शक्ति हो सके आपको उतना ही करना, और इसमें लगा लेना जहाँ घुटनों का दर्द हो, चाहे कुछ भी जोड़ों का हो, उसमें दर्द में आराम मिलेगा आप सबको। और इसके दूध के बारे में बता देता हूँ दोस्तों आप सबको, इसके दूध जो निकलता है ना, इसे तोड़ते हैं तो देख सकते हो ये दूध निकल रहा है, अभी बहुत कम हो गया है, थोड़ा लेट से लाया हूँ, देख सकते हो नज़दीक से ये दूध निकल रहा है। तो इस दूध को जो धागा वाला मिश्री रहता है ना, उसमें पीस लेना, मिश्री को बारीक कर देना मिश्री को, और इसके जो रस रहता है,
जो दूध निकलता है उसको, उस दूध को उसमें 4-5 बूंद ले लेना है। और सुबह खाली पेट सेवन करने से धातु भी पौष्टिक होता है, शरीर की धातु पौष्टिक बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा काम करता है उसमें भी इसका दूध से। और इसके छाल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों, इसके ये छाल है ना, अच्छा से छाल ले आना, इसके छाल रहता है, इसके छाल को ले आना बड़ा बड़ा, इसके छाल देख सकते हो ऐसे ही काल लेना और इसे पानी में धो लेना अच्छे से। और इसके छाल को ना उबाल कर, घाव रहता है किसी घाव रहता है तो उसे धोने से, चर्म रोग का घाव रहता है उसे धोने में भी आराम मिलता है बहुत अच्छा, और कट जाता है तो इसके दूध को लगाने से उसमें लगा दो तो जो खून का बहाव होता है वो भी रुक जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला है। और इसके जो दिखाई देता हूँ, नहीं निकल रहा है, नया है। और महिलाओं का श्वेत पदर रहता है ना, सफ़ेद पानी का भी समस्या इसी से ठीक होता है दोस्तों, उसका भी जानकारी आप सबको देने वाला हूँ, वीडियो कंटिन्यू बने रहो। तो उसके लिए दोस्तों इसका छाल, इसके छाल को ना पानी में 1 लीटर पानी में उबाल लेना, उबालने वाला पानी में किसी बर्तन में रख लो इसके छाल को, जैसे इसमें रख रहे हैं देख सकते हो ऐसा पतीला है, इसमें डाल दो बरगद का छिलका छाल और इसे गरम कर दो दोस्तों, गरम कर दो, कम से कम 1 लीटर पानी डाले हो या 2 लीटर तो उसका आधा भाग बहुत जाए, उतने में श्वेत पदार्थ में काम आएगा सफ़ेद पानी में। और इसका गरम पानी जितना सहनशील हो जाए उतना रखना, उबाल लेना, उसके बाद थोड़ा सहनशील हो जाए तो उसमें बड़ा वाला टप में थोड़ा रख लो पानी को, पानी में रख, टप में रखने के बाद पानी जिससे सहनशील हो जाए, आप सबको सहनशील हो जाए उतना ही रखना है पानी को, जिसमें आप बैठ जाओ, जो बीमारी है श्वेत पदार्थ का तो वो बैठ सकते हैं उसमें, सहनशील है उतना ही रखना, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, उसमें बैठ जाना है। और जहाँ सेकाई हो जाता है उसमें गर्म पानी में बैठने से दोस्तों, और इसका औषधि गुण उसमें असर करता है, जो सफ़ेद पानी का समस्या रहता है वहाँ पर इसका जड़ी बूटी औषधि, उसका सेकाई हो जाता है वहाँ पर तो कंट्रोल मिल जाता है, बहुत ही अच्छा इसका औषधि प्रयोग है, अच्छा कर देता है, इसका सेकाई हो जाता है जहाँ श्वेत पदार्थ का समस्या रहता है वह उसमें भी ठीक कर देता है। इसके छाल को गर्म कर लेना और उसमें बैठ जाना, जितना सहनशील हो आप पर उतना ही करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वहाँ कम से कम 5-10 मिनट तक बैठे रहो, जिससे सेकाई हो जाए श्वेत पदार्थ का समस्या है तो भी ठीक हो जाता है इसके छाल से। और जोड़ों का भी दर्द के लिए आप सबको बता दिया हूँ, और इसे धातु पौष्टिक के लिए भी इसका मिश्रित साथ लेना है इसका दूध, ये भी बहुत अच्छा काम करता है धातु पौष्टिक के लिए। और जोड़ों को दर्द के लिए भी हो गया, श्वेत पदार्थ के लिए भी हो गया, और बहुत ही गुणवान पौधा है ये, बहुत ही औषधि काम करता है इसका। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना था, बहुत सी जानकारी है इस वट वृक्ष का, लेकिन आपको बताता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा था। इसका मकसद ये था कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था हमें इस श्वेत पदार्थ की दवा बताने के लिए, तो मैं इसी का उपयोग, आप सबको अच्छा लगा और आसानी से मिल जाएगा था इसका उपयोग, आप सबको बतलाया हूँ ताकि इससे पहचान सको, जल्द अज जल्द पहचान सकते हो सभी, ये तो वट वृक्ष है, इसका पौधा सभी गांव में देहात में कहीं पर भी मिल सकता है आपको, इसीलिए जल्द अज जल्द मिल जाए इसी के बारे में मैं आप सबको बताया हूँ श्वेत पदार्थ का। और श्वेत पदार्थ का एक और जानकारी जानता हूँ मैं दोस्तों, जो इमली का बीज रहता है ना उसका हल्का भूंज लेना है, इमली के बीज को हल्का भूंज लेना है, भूंजने के बाद
हल्का, ज़्यादा नहीं जलाना है, ज़्यादा जल जाए कोई काम का नहीं होगा, तो हल्का भून लेना है इमली के बीज को और उसके छिलका निकाल लो, और उसके सफ़ेद बीज निकलता है उसे चूर्ण बनाकर उसमें एक चम्मच गाय के दूध के साथ लेने से भी सफ़ेद सफ़ेद पानी में बहुत अच्छा काम आता है दोस्तों। मैं दो प्रकार का आप सबको बता दिया हूँ। और एक जानकारी और है इसके जटा के बारे में दोस्तों, जो पेड़ से ऊपर तक नीचे तक फैल जाता है, पकड़ लेता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, उसी के बारे में बताने वाला हूँ। ये उसका जटा है, देख सकते हो। तो इसका उपयोग ना दोस्तों बरसात के दिनों में अक्सर सभी को हो जाता है, वो जब पैर रहता है ना तो इसके बीच में, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में केंदुआ बोल देते हैं, घाव हो जाता है समझ लो, इसके बीच बीच में बरसात के दिनों में अक्सर सभी को हो जाता है। तो इसके जटा को लेप कर लेना, पीस कर, कूट पीस कर, और इसके छाल को कूट पीस लेना, और इसके जो काढ़ा बनाए रहोगे ना पानी, इसके पत्ते का काढ़ा बनाओगे, इस पत्ते को पानी में डाल दो, ऐसे छोटे छोटे फाड़ कर ऐसे डाल देना है, देख सकते हो इसमें डाल दिया हूँ मैं ऐसे पत्ते को, इसे काढ़ा बना लेना गर्म पानी से, और आधा लीटर बचेगा एक लीटर पानी में तो उससे साफ धो लेना, किसी घाव रहे चाहे बरसात दिन में तो ये वाला घाव होता है तो इससे धो लेना है। और इसके जटा है, इसके जटा का और इसके छाल का, इसके छाल का लेप बना लेना दोनों को, और इसमें लगाने से जो घाव रहता है उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है दोस्तों, रामबाण है उसका लिए तो। और कट जाए या पुराना घाव रहे, नहीं छोड़ रहा है तो भी उसमें काम आता है इसका लेप करने से। और इसके जो पत्ते को गर्म कर तक, आधा घंटा तक गर्म करो तो इसका काढ़ा बन जाता है, तो उसमें भी फायदा है। इसको जो पुराना घाव है उसे धो दो साफ, तो उसमें सुकराणु रहता है वो मर जाता है। और इसका लेप लगा लो पत्ता और इसके छाल का, तो घाव में भी बहुत असर करता है, बहुत ही अच्छा होता है, छोड़ ही देता है दोस्तों, बहुत अच्छा फायदा करता है। तो बस इतना ही जानकारी था आज का वीडियो। आप सबको कैसे लगा तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।